स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर शायद उनकी जीत सर चढ़कर बोल रही है। शायद यही कारण है कि अब उनके अपने लोग जो उनकी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं वो ही दूर जा रहे हैं। उनकी पार्टी टीएमसी में अब दलालों की फौज भर गई है, ये बात हम नहीं बल्कि उनके साथी और प्रसिद्ध राजनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और उनके साथी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच खटास बढ़ती जा रही है। श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी बंगाल नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आईपैक पर सीधा निशाना साधा। कल्याण बनर्जी ने कहा, अब आईपैक कहां गया, दलाली करने के लिए काफी लोग हैं, असली काम के समय दिखाई नहीं देते, वे कहां हैं? जिन लोगों ने तमाम नामों के प्रत्याशी मनोनीत किए थे वे अब कहां हैं? हम पैदल काम कर रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और टीएमसी नेताओं के बीच खटास खुलकर सामने आ गई है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के दौरान टीएमसी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अलग लिस्ट जारी कर दिए गए थे। बाद में टीएमसी के नेताओं ने उन्हें खारिज करते हुए हस्ताक्षर सहित लिस्ट जिलों में भेजा था। वास्तव में आईपैक के साथ जमीनी संबंध उतना मधुर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच खटास बार बार सामने आ रही है। चुनाव पूर्व उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन के बाद पार्टी के अंदर गुस्सा फूटना शुरू हो गया। विश्लेषकों का कहना है कि आईपैक के साथ टीएमसी जुड़ाव के पीछे प्राथमिक लक्ष्य टीम को मजबूत और मजबूत बनाना है। प्रारंभ में आईपैक चुनाव के लिए संभावित आंकड़े और उम्मीदवारों की सूची संकलित करने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण किया था और अपनी सूची बनाई थी, लेकिन इसे लेकर पार्टी के नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आया था। साल 2011 में विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद पार्टी के भीतर इस बात को लेकर दो खेमे बन गए थे कि जीत का असली हकदार कौन है। अधिकांश नए टीएमसी नेताओं का दावा है कि इस जीत के पीछे आईपैक का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ समूह को लगता है यह आईपैक नहीं बल्कि ममता बनर्जी के नेतृत्व की जीत है। ऐसे में कल्याण बंदोपाध्याय उन पुराने चेहरों में से एक हैं जो तृणमूल नेता के साथ थे। टीएमसी सांसद के बयान से यह फिर स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से चुनाव से पहले पार्टी के भीतर शीर्ष नेताओं के बीच टकराव शुरू हो गया है, उससे यह व्यवहारिक रूप से और स्पष्ट हो रहा है पार्टी के भीतर सब कुछ सही नहीं है। इसी बीच तृणमूल और आईपैक के बीच अनबन भी सामने आई है। अफवाह ये है कि अभिषेक बनर्जी आईपैक को काफी मदद कर रहे थे। तृणमूल के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक कांग्रेस तृणमूल के विस्तार का खाका तैयार कर रहे थे, जैसा कि आईपैक ने कहा था। आईपैक तय कर रहा था कि अखिल भारतीय राजनीति में टीएमसी की रणनीति क्या होनी चाहिए। कल्याण बनर्जी ही नहीं, फिरहाद हकीम इससे पहले भी आईपैक पर निशाना साध चुके हैं। चुनाव से पहले दो उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन को लेकर हुए विवाद ने काफी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। जिलों को सूचियां भेजकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। पार्टी के विधायक ने खुद उम्मीदवारों की सूची का विरोध किया। फिरहाद हकीम ने कहा, पार्टी के फेसबुक अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगर पालिका सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पार्टी के नेता उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपने हिसाब से उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जो असली विवाद की वजह बन रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।